नालसा में कांग्रेस द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली गई, जिसमें धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा द्वारा किसान आंदोलन में समर्थन दिया गया। रैली में विधायक पांचीलाल मेड़ा ट्रैक्टर पर बैठकर रैली के साथ निकले। नालसा ब्लॉक कांग्रेस द्वारा कानून को वापस लेने की मांग की गई। इसमें प्रधानमंत्री इस कानून को वापस नहीं लिए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रैली में क्षेत्रीय विधायक पांचीलाल मेड़ा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश भोजदार, विनोद इंदुलकर, संदीप जी ग्वाल और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नालसा से विनीत यादव की रिपोर्ट। भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि हमारे संचालन कर्ता विनोद भाई, ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश भोजदार जी ने भी आपको किसानों के बारे में बताया कि तीन कानून कौन से हैं। तीन कानून की बात, एक तो फसल आपके कहने के अनुसार नहीं, जो भी कंपनियां रहेगी वो आपके खेतों में फसल उगाएगी। दूसरा, जो भी दाम वो घोषित कर देंगे उन्हीं का दाम मार्केट में चलेगा, और किसी पर्टिकुलर कंपनी का जो दाम रहेगा वही मार्केट का दाम रहेगा, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। और तीसरा है, जो भी जमीन है उनको पसंद आएगी, उनको पसंद आएगी और वो उनकी कीमत के अनुसार जमीन का अधिग्रहण कर लेंगे और उन जमीनों में फसलों का दाम, वो उन जमीनों की जो भी फसलें रहेगी वो उनके हिसाब से बोएंगे। आपने यहाँ सोयाबीन अगर अच्छे होते हैं, कहीं दूसरी फसल उनको पसंद आई तो वो बोने के लिए वो हमको बाध्य करेंगे और वो जमीन उनकी हो जाएगी। तो ऐसा काला कानून हमको पसंद नहीं है। और जो भी फसलें लेंगे वो अभी जो गोदाम बन रहे हैं, अपने यहाँ तो शायद एक दो जगह स्टार्ट हुए हैं, दूसरे प्रदेशों में गोदाम बन चुके हैं और वो हमारी फसलों को खरीद करके उनके गोदामों में रख करके जो अन्नदाता पैदा करता है ये अनाज, वो खरीद करके वापस वही फसल को 2000 की फसल को 4000 में बेचेंगे और 4000 की फसल को वो 8000 में। मान लो 2000 के गेहूँ हमारे से लिए और उन्होंने 2 महीने बाद उन्हीं गेहूँ को 6000-7000 पर क्विंटल में वो बेचने का काम करेंगे, तो क्या ये नियम आप लोगों को मंजूर है? ऐसे कई ऐसी समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए जो तेल हम मीठा तेल खा रहे हैं, अभी जो सोयाबीन का जो आपने आंदोलन किया और जो क्या किस कारण से किया आपने आंदोलन? दिल्ली में जो तीन कानून को लेकर के दिल्ली में किसानों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी के तारतम्य में आज लालचा ब्लॉक धार जिले में हमने किसान आंदोलन के सहयोग के लिए किसान भाइयों के साथ में और कांग्रेस पार्टी के साथ में मिल करके आज हमने उनकी किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और काले कानून को वापस लेने के लिए हमने प्रधानमंत्री को अवगत कराने के लिए ये हमने आज धरना प्रदर्शन और कार्रवाई की मांग करी। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है कांग्रेस के द्वारा? जी, कांग्रेस के हमारे माननीय राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा और प्रदेश के नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आदेश पे आज हमने ये आंदोलन जारी रखा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।